थी मेरी वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो ये कैसी मुश्किल है जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ कर करना ऐसा ना हो कि कल को अपने ही फैसले पर पछताना पड़े तुम्हें ऐसे अबॉर्शन करा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है और फ्रेया ने किया क्या है मेकू के साथ इस लड़की ने अपने पैरों पर खुद को लाड़ी मारी है तुम इस बच्चे को पैदा करके बलीद का नाम देना चाहती हो या नहीं ताहिर इस सबक कौन नहीं चाहेगा तो फिर ये अपना अंदाज और ये गुस्सा छोड़ दो आप छोटी मामा को ले आए आपको पता है किस तरह से अकेले जाने से मेरी क्या हैसियत रह जाएगी वहाँ पे इस बात को खत्म किया जा सकता है उसे कहें कि वो अपोलोजाइज करे टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा बेटा जल्दी करो स्कूल के लिए देर हो रही है जी खत्म करो दूध बलीद मेरा चेकअप है मैं तैयार हूँ मैं आपके साथ ठीक है आपा के साथ चली जाना बलीद मिकू को स्कूल छोड़कर ले जाना ना खुद गाड़ी कैसे चलाएगी वो आपा ड्राइवर मौजूद है आपके साथ जा सकती है कोई बड़ी बात नहीं पापा मैं सलीम पापा के साथ चला जाता हूँ छोटी मामा आप पापा के साथ चली जाएं तुम्हें कह दिया ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ कम ऑन हरी अप खत्म करो पूरा करो बेटा शाम को आपसे मुलाकात होती है खुदा हाफिज़ मिकू चैन से कैसे रहूं कोई रहने देगा तो ना मैं कोई नया किस्सा नहीं शुरू कर रही हूं मम्मी लेकिन वलीद का एटीट्यूड बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है मतलब सारा वक्त वो बेटे को देता है और मुझे सिर्फ ताने बेटा इतना नुकसान कराने की जरूरत नहीं है अच्छा लेकिन आप बड़ी आपस से अपने तरीके से बात करें और आप तो आ जाए ना बेटा मेरा आना ठीक नहीं है कुत्सिया को मना किया और मेरे साथ जाओगी तो खाम खा बात बिगड़ जाएगी बस जो भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा खुदा हाफिज
चलो फरी, मैं तैयार हूँ। मुझे नहीं। क्या मतलब नहीं जाना? तुम्हारा तो अपॉइंटमेंट था ना डॉक्टर के साथ। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। अगर वलीद को मेरी फिक्र नहीं है तो। फरी प्लीज, कोई नई जिद मत बांध लेना। ये जिद है? हाँ, तो अब ये होगा मेरे साथ, वलीद मेरे साथ ये सलूक करेगा? वलीद नहीं करेगा, तुम खुद करोगी। देखो फरी, इंसान जब अपनी जगह छोड़ देता है ना, तो उसे फिर से जगह बनाने के लिए कुछ वक्त लगता है। ठीक है, जब जगह बन जाएगी तो चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। फरी प्लीज, खुद भी सुकून से रहो और दूसरों को भी रहने दो। नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास, हमेशा जिद। हफीज साहब आ गए। जो नहीं बोलेगा मेरा इंतजार करे, मैं जरा बेटे को स्कूल से पिक करके घर छोड़ के आ रहा हूँ। जी जी, हम मीटिंग रिज्यूम करेंगे। ओके जी, ओके। आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सब खैरियत है ना? जी जी, डॉक्टर ने क्या कहा? मेडिसिन दी है वलीद, अगर तुम कहो तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे रुकैया के पास ले जाऊं। शाम को तुम तैयार हो जाना, बाहर जा रहे हैं हम घूमने। ओके, लालू इमरान को भी लेके चले? हाँ, उन्हें भी कह दो, लेकिन वो तो हॉस्टल में होगा ना नायल? नहीं, कल सैटरडे है ना, वो वीकेंड पे अपने अंकल के घर जाता है, शायद अंकल के पास। मेरी बात हुई थी उससे। जिसको लेना है ले लो, ठीक है? और से कहना तैयार है। अच्छा, दूसरी बात है, तुम्हारे नया कंप्यूटर भी आ गया है, पुराना वाला तो खराब हो गया होगा। जी बाबा। शाम को आ जाएगा, उसे खेलेंगे। आधे घंटे को तो जा ही सकते थे, लौटने में देर हो जाती। फरी, सलीम भी हमारे साथ है, मीकू स्कूल से वापस आ जाएगा तो अकेला क्या करेगा? रुकैया को बुला लो ना, उसी से मिलने तो जाना था। सलीम भाई, वो चावल जल्दी से दे दे, मुझे ऑफिस जाना है। जी, मगर छोटी बीबी तो नहा रही हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा। नहा रही है तो बाद में खा लेंगी, पापा को बोले आ जाएं। उन्होंने कहा है कि वो नहीं खाएंगी। अच्छा चलो, फिर हम ही खा लेते। चावल चाहिए? बिरयानी कैसी है? अच्छी है। आलू नहीं डाले क्या इसमें? तुमने खा लिए? Thank you.
अरे भाई कुत्सिया, बंदा सवाब कमाने के लिए भी कुछ काम कर लेता है, तुम्हारी तो औलाद नहीं है। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को जिस तरह भेजा है और उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरा कलेजा जलाने के लिए काफी है। अरे नहीं, अल्लाह ना करे मैं ताना थोड़ी दे रही हूं। अरे नहीं भाई कुत्सिया, मेरी बात तो सुनो। अरे यूं ही ईमान से बस रवा रवी में जुमला मुंह से निकल गया। मेरा मतलब कहने का ये था कि अल्लाह की मर्जी है जिसे औलाद दे, तो नाराज हो रही हो। अच्छा अच्छा चल माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। मैं ये कह रही हूं कि तुम वक्त निकाल के आ जाओ ना जरा। असल में फरिया ने मुझे आने से मना किया है। वो कह रही थी अम्मी मेरे ससुराल के मामले में आप बीच में मत बोलें। देखो ना ये तो खूबी है उसकी, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम आके मिल लो मुझे। अरे कुत्सिया क्या कहूं मैं, तुम मेरी बहनों की तरह हो भाई। पहले तुम कहो कि तुमने मुझे माफ किया, वरना मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। अच्छा कब आओगी बताओ, मैं तड़प रही हूं भाई तुमसे मिलने के लिए। आओ। अच्छा चलो वक्त निकाल के आओ प्लीज। ओके खुदा हाफिज। कौन सा ताना दिया मैंने? देखो फरी, औरत में ये गुण होने चाहिए कि वो अपने मर्द को मुट्ठी में कर सके। और फिर तुम्हारा तो ना सास है ना सुसर ना देवर ना जेठ, खा जाके सिर्फ मैं हूं और मैं भी ना होने के बराबर। आज तक तुम्हारे किसी भी मामले में मैंने दखल अंदाजी नहीं दी, उल्टा मैं वलीद से ही ताने सुनती रहती हूँ कि हर बात में मैं तुम्हारी साइड लेती हूँ। तो आपा मुझे तो आपसे कोई शिकायत नहीं है। देखो फरी, अपने अखलाक से जो जीत सकती हो वो जीतो। शाम हो गई है, पापा नहीं आए? कहीं जा रहे हो बेटा? इधर आओ। पापा प्लेलैंड लेके जा रहे हैं, नाइल और ईमान को भी, उधर वो वेट कर रहे हैं, उनका फोन भी आया था, मैं पापा को फोन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है कर लो। तुम समझ रही हो ना? जी बेटा। हाँ मैं बस पहुंच रहा हूँ, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया था। ऑफ कोर्स यार पहुंच रहा हूँ। तुम तैयार हो? ओके ओके आई जस्ट बी देयर। ओके पता है ईमान बहुत अच्छी है और नायल की माँ पापा की डेथ हो गई। फिर तो बहुत उदास रहता होगा वो। उसे वो दोनों याद नहीं आते। अरे कैसा बच्चा है वो? वो छोटा था जब उनका एक्सीडेंट हो गया। सलाम पापा। वालेकुम अस्सलाम। पापा आ गए। वालेकुम सलाम। ठीक पापा चले? बेटा सांस तो लेने दो। सलीम बाबा जरा पानी पिलाएं। अब आप सांस भी लेंगे? सांस तो बेटा मैं ले रहा हूँ, मैं पानी पीने लगा हूँ। वलीद मैं भी चलूं? तुम चल के क्या करोगी, आराम करो। बेटा मैं चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं ठीक है? हद करता है ये वलीद भी। गुड, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। निकू को कोई प्रॉब्लम?
नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली गलती मेरी थी जिसे मैं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि दुरुस्त हो जाएगी। काफ़ी बेहतर लग रहा है लेकिन फिर भी कभी कभी खामोश हो जाता है। मैंने भी नोटिस किया कि खामोश हो जाता है, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे और मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। नहीं, आपका जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। असल में हम सब अगर अपने अपने मुकाम का तायुन कर लें फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। शायद मैंने ऐसा कर ही दिया। हमारी अम्मा कहती थी कि मियाँ बीवी के बीच में जो रिश्ता होता है वो खून का तो नहीं होता लेकिन इज्जत और एहतराम का ज़रूर होता है और उसके माने भी बहुत वसी होते हैं। मेरे ख्याल में इंसान को सिर्फ सुख नहीं देखना चाहिए या खुशी, पर दुख देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप सही कह रहे हैं। आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मीकू को भी और आपकी वाइफ को। आ जाएं, कुछ खाते हैं, बच्चों को खेलने दें। हाँ चलें। वो बहुत रो रही थी। आंटी वो बहुत जज्बाती हैं। अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वलीद बच्चों को ले जा रहा था ना, और फिर वैसे भी फ्रीहा को अब इस हालत में आराम की जरूरत है। लेकिन वलीद का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है, हद तक आमेज है। आपने आपा से बात की? की थी, उन्होंने भी हाथ झाड़ दिए। कब मैं और मेरी बेटी इतने मजबूर ना होते तो। खैर अब और काम ही क्या रह गया सिवाय इसके कि हर एक के सामने हाथ जोड़े और कहूं कि बेटी तो मैंने घर भेज दी है, अब उसे इज्जत से रखा जाए। नहीं खैर, ऐसा नहीं है कि उसकी बेइज्जती हो रही है, लेकिन आपको पता है ना, लड़ाई झगड़ों के बाद रवैयों में सरमहरी आ जाती है। आप क्यों फिक्र करती हैं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। यानी तुम भी वलीद से बात नहीं करोगे? नहीं, मैं बात करूंगा उससे, मैं उसे समझाऊंगा भी, लेकिन बेटा प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, हम पर एहसान करोगे तुम, दुआएं देंगे हम तुम्हें, तुम्हारी बात सुनता है वो। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगा उससे। बस कर दो, आखिर इस तरह से कब तक चलेगा? पापा क्या हुआ, सब तो ठीक है? अनजान मत बनो, फरी के साथ तुम्हारा रवैया। पापा पहले ही बातें मैं कभी नहीं समझता था, लेकिन फरी के रवैये से मुझे एक चीज समझ में आई है, वो ये कुछ लोग होते हैं जिनसे अगर दूर रखा जाए अपने आप को तो उनके साथ जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। ओफो, वलीद हो गया ना जो होना था, अब वो आ गई है। तो आ गई तो क्या हुआ पापा, कोई एहसान तो नहीं जता रही? तो क्या अब इसी टेंशन में जिंदगी गुजरेगी? मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसे तो है ना, उसकी कंडीशन तो देखो। देखो वलीद, इस तरह से तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। पापा मैं अपने बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ने दूंगा, आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। जो कुछ तुम कर रहे हो ना, उस सब का इल्जाम मीकू पर आएगा। क्यों आएगा मीकू पर इल्जाम? इसलिए कि इस सब का जिम्मेदार मीकू है। मीकू नहीं है, फरिया है सबकी जिम्मेदार। उसे इस घर में कोई कमी तो नहीं है किसी चीज की? जो चाहिए उसे मिल जाएगा। शौहर चाहिए उसे। शौहर तो आपा वो बहुत आसानी से खो चुकी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाकी रही टाइम की तो टाइम तो मैं उसे पूरा ही दे रहा हूं, लेकिन अपने बेटे मीकू का टाइम उसे नहीं दे सकता, और वो वक्त जो उसने छीन लिया था वो मीकू का मुझ पर कर्ज है, वो मैं उसे नहीं दे सकता। आपा तुम नहीं समझोगे वली। अगर मैं नहीं समझूंगा तो आप मुझे समझा दें, हालात ऐसे ही रहेंगे। Z5.
सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने इस बच्चे की वजह से, लेकिन अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारा अपना किया धरा है। ना मैंने पहले मीकू के साथ कुछ किया था ना आप कर रही हूँ। ये जिंदगी का कर्ज होता है बेटा, चुकाना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। जीना बहुत खौफनाक है मेरा बच्चा। तुमने तो ये अजियत उठाई है ना, याद है ना, एक वो शख्स था जो तुम्हें अपनाए बगैर छोड़कर चला गया था, और दूसरा वलीद जिसने तुम्हें अपनाया लेकिन जिसे खो दिया है। मामा जिसे खो दिया है, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि जो मैं कर रही हूं उसका यह नतीजा होगा। अपने वलीद को वापस कैसे लाऊं जान? मैं तो वलीद के लिए हर बंदे से भीख मांग चुकी हूं। मेरा ख्याल था कि तुम्हारे मां बनने की खबर सुनकर उसका दिल नरम हो जाएगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। मेरा दिल सख्त नहीं है सरमा, मुझे हालात की नजाकत का अंदाजा है और फरिया की सिचुएशन का भी, लेकिन मैं बहुत सारी गलतियां कर चुका हूं और पछताया भी हूं, और वो गलतियां मैं फिर से नहीं करना चाहता। कैसी गलतियां? अंधा एतमाद करने की। किसी ने कहा है उस वक्त तक किसी के ऊपर एतबार ना करो जब तक वो अपने आप को प्रूव ना कर ले, और हम हमेशा यही गलती करते हैं, पहले एतबार कर लेते हैं बाद में पछताते हैं, और यही मेरे साथ हुआ है। टेंशन से तुम्हारा दम नहीं घुटता? मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही। अब तो वो मां भी बनने वाली है, और उस पर भी उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूं, उसका गुरूर खत्म करना चाहता हूं कि एक घर में प्यार से कैसे रहते हैं। यार वो ये सब सीख चुकी है, और किसी ने यह भी कहा है कि शाख को उसी हद तक मोड़ना चाहिए जिस हद तक उसमें लचक हो, नहीं तो वो टूट जाती है। और जो शाखें नहीं झुकती वो टूट भी जाती हैं। बहरहाल उसका ख्याल रखता हूं मैं। यार मैं तो थक गया हूं ये सब देखते देखते। तो फिर ध्यान देना छोड़ दो।
कॉफी पियोगे? नहीं, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? क्या तुम्हें अभी नींद आ रही है? नहीं। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। वो आपकी और छोटी मामा की लड़ाई हुई है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। किसने कहा तुमसे? किसी ने कहा नहीं, मगर नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है और आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। चलो, पापा को बहुत काम करना है, तुम जाके सो जाओ। क्यों? इतनी अच्छी शॉपिंग हुई है ना? तुम कह रही हो तो अच्छी हुई होगी। मेरा ख्याल है अब हद नहीं हो गई। किस बात की? आपकी बेरुखी की। इतना वक्त गुजर गया है वलीद। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे मैं आपको जानती ही नहीं। तो जानती हो? जी। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यानी अजियत का ये वक्त अभी खत्म नहीं होगा। कब तक चलेगा? टेंशन मत लो ज्यादा, रिलैक्स। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, चलो कमरे में, बस थोड़ा सा काम रह गया, खत्म करके आता हूँ। लेकिन मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।
आवाज नीची रखो, कमरे में जाओ, काम खत्म करके आ रहा हूं। आ जाओ। पापा। अरे तुम अब तक सोए नहीं? बस जा ही रहा था, पापे कमरे की रोशनी देखी तो मैं पूछने आ गया, आप क्यों उठी हुई हैं अब तक? बस कुछ नहीं, जरा सर में दर्द हो रहा था। कुछ ला दूं? सुकून ला दो अगर कहीं से मिले तो। सुकून तो मेरे पास भी नहीं है आपको देने के लिए। सुबह मिलता हूं आपसे। शुभ खैर। शुभ खैर। अब तक सारी जिंदगी मैंने आप ही की नसीहतों पे गुजारी है, अब और नहीं गुजार सकती हूं मैं। मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती। यहां पे किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ तो बेहतर होता कि मैं मर जाती, मार देती आप मुझे, गला दबा देती मेरा। इससे बेहतर था कि मैं अबॉर्शन करा लेती, तलाक ले लेती। कम से कम मेरी रातों की नींदें तो मेरी अपनी होती ना। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है मैंने कि मुझे उम्र कैद की सजा मिल गई है। आप फिक्र ना करें, आपके घर नहीं आ रही बोझ बनने। क्या समझ रहे हो तुम मुझे और अपने आप को क्या समझते हो? किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं अब इस बच्चे की वजह से इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होंगी। तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा, अगर बात करनी है तो बैठ के आराम से सुकून से करो। कौन सा आराम, कौन सा सुकून? आवाज नीची रखो फरिया। मैं ऐसे इस घर में नहीं रहूंगी, सुना तुमने? तो फिर किस तरह रहोगी? तुम्हें मुझे रखना आता है? तुमने अपना रवैया देखा है मेरे साथ, आपा का सलूक देखा है? सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने इस बच्चे की वजह से, लेकिन अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारा अपना किया धरा है। ना मैंने पहले मीकू के साथ कुछ किया था, ना अब कर रही हूं। ये तुम्हारी ना मानने वाली आदत, ना मानने वाली आदत तुम्हें अजियत दे रही है। यही तुम्हें एहसास दिला रही है कि तुमने कुछ गलत किया है। बस बहुत हो गया अभी और इसी बार मुझे क्या छोड़ के मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। रात के 2 बज रहे यार,
फॉर गॉड से चुप करके सो जाओ। मैं नहीं रुकूंगी अब, मुझे घर जाने अभी इसी वक्त। होश में आओ, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ मत लगाना मुझे। ये पागल हो गई है। हाँ हो गई हूँ मैं पागल। वो जाना चाहती, मैं तेरे को कह रहा हूँ। परी परी, वो छोटी माँ भी मर जाएंगी। नहीं मीकू बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेरी छोटी बहन तो आ जाएगी ना। हाँ बेटा, इंशाल्लाह। ये आपकी बेटी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर्स ने मना किया था ना कि चेहरे और मुंह पे हाथ ना लगाएं, वो जर्म्स फैलने का खतरा होता है। क्या सही क्या गलत उसकी पहचान मैं बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। तुमने जो मीकू के साथ किया वो। खुदा के लिए वलीद, अब ये ताने देना छोड़ दे, थक गई हूँ मैं ये बातें सुन सुन के। धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है।